नमस्कार दोस्तों, अनुपेश रिजोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2 अप्रैल का करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को खाना मुहैया कराने के लिए मोदी किचन पहल की शुरुआत कहां पर की गई। मोदी किचन पहल की शुरुआत जो है तमिलनाडु में की गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के कोवई यानी कोयम्बटूर में पड़ता है, वहाँ पे मोदी किचन की स्थापना की गई है। इस रसोई में प्रतिदिन 500 लोगों को भोजन परोसने की क्षमता है और यह जो है 14 अप्रैल तक 2020 तक चालू रहेगी। मोदी किचन का उद्देश्य 10 किलोमीटर के दायरे में खाना पहुँचाना है और इसे शहर के मुख्य शॉपिंग इलाकों में स्थापित किया गया है। यह कोविड-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को खाना मुहैया कराने के लिए सीएससी के अधिकारियों द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट, भारत पे ने कोविड-19 को कवर करने वाली बीमा की सुविधा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है, तो इसका सही उत्तर होगा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, यानी ऑप्शन डी, भारत पे ने जो है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ जो है बीमा कोविड-19 को कवर करने वाली बीमा सुविधा देने के लिए साझेदारी की है। यह बीमा सुविधा दुकानदारों के लिए शुरू की गई है जो कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण आर्थिक रूप से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इस पॉलिसी के जो लाभ हैं, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है बीमाकृत कुल राशि का 100% पॉलिसी धारक को कोरोना वायरस के उपचार के लिए भुगतान किया जाएगा। इसमें अस्पताल में भर्ती होने के बाद का भी खर्च शामिल है। ICICI लोम्बार्ड हेल्थ कवर भारत पे ऐप पर उचित मूल्य पर उपलब्ध है और 199 रुपये से शुरू होने वाला प्रीमियम और 25,000 रुपये का बीमा और मूल्यवर्धित लाभ प्रदान करता है। इस पॉलिसी में स्वास्थ्य सहायता के साथ साथ टेली कॉन्सलेशन, एम्बुलेंस सहायता और कई जरूरी सेवाएं प्रस्ताव किए गए हैं। इसमें 18 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्ति जो है कवर किए जाएंगे। बात करें भारत पे, तो भारत पे का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। भारत पे के CEO जो हैं एस्नर ग्रोवर हैं। और बात करें ICICI लोम्बार्ड का, तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है और इसके जो MD हैं भार्गव दास गुप्ता। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की शुरुआत की है, तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश में की गई है। यह अभियान राज्य के नागरिकों को उनके दरवाजे पर कोविड-19 के लक्षणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन के तहत लोगों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी मुहैया कराई जाएगी। 2 सदस्यों की टीम में आशा कार्यकर्ता गाँव के हर घर तक पहुँचेंगे और हर व्यक्ति की स्वास्थ्य जानकारी एकत्र करेंगे। इस एकत्र जानकारी को गूगल फॉर्म के माध्यम से विभाग द्वारा टीम के साथ साझा किया जाएगा। बात करें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट, हाल ही में स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा पर्यटन मंत्रालय ने जो है विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद करने के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पर जो है stranded in india.com के जरिए पहुंचा जा सकता है। इस पोर्टल पर कोविड-19 हेल्पलाइन नंबरों और कॉल सेंटरों की जानकारी दी गई है, जिसके माध्यम से विदेशी पर्यटक मदद के लिए विदेश मंत्रालय के नियंत्रण केंद्रों की जानकारी के साथ साथ उनके संपर्क जानकारी और राज्य आधारित या क्षेत्रीय पर्यटन सहायता सुविधा केंद्रों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री जो है प्रहलाद सिंह पटेल हैं। नेक्स्ट, कोविड-19 के कारण मरने वाली शाही परिवार की पहली सदस्य प्रिंसेस मारिया टेरेसा किस देश की थी, इसका सही उत्तर होगा स्पेन। प्रिंसेस मारिया टेरेसा जो है स्पेन की थी, शाही परिवारों के सदस्य में से मरने वाली पहली जो है सदस्य बनी मारिया टेरेसा। स्पेन की बात करें, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और स्पेन की मुद्रा है। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा बीपी कानूनगो, यानी ऑप्शन सी, बीपी कानूनगो का कार्यकाल जो है 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा था, अब जो है इनके कार्यकाल को जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि 3 अप्रैल 2020 से लागू होगा। आरबीआई
में जो कानूनगो के अंतर्गत आने वाले विभागों में मुद्रा प्रबंधन विभाग, बाहरी निवेश और संचालन विभाग, सरकार और बैंक खातों के विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग शामिल हैं। और जो होता है RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो अन्य 3 गवर्नर हैं एस विश्वनाथन, एम के जैन और माइकल देवपात्रा हैं। और अभी जो इनका कार्यकाल बढ़ाया गया 1 साल के लिए, वो बीपी कानूनगो। बात करें RBI की, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तो कोलकाता में स्थापना इसकी की गई थी। वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में है। और RBI के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, हाल ही में कोरोना वॉच नामक मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन ए। कर्नाटक सरकार ने कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य संक्रमित व्यक्तियों की मूवमेंट को ट्रैक करना है और कोरोना वायरस के फैलने से पहले ही सावधानी बरतना है। साथ ही यह ऐप मरीजों द्वारा स्पॉट की गई तारीख और समय भी प्रदान करेगी। इसके अलावा कोरोना वॉच ऐप पर COVID-19 से निपटने के लिए सरकार द्वारा चुने गए अस्पतालों की सूची भी शामिल है, जहां इससे संबंधित लक्षण वाले नागरिक टेस्ट के लिए जा सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने कोरोना वॉच ऐप के अलावा COVID-19 के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का भी गठन किया है। यह टास्क फोर्स उन व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए IT एप्लीकेशन और GPS का उपयोग कर रहा है जिन पर नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण का संदेह है। साथ ही क्वारंटाइन व्यक्तियों को 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि के दौरान हर दिन अपने स्थान की जानकारी देने का जो है आदेश दिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम, नाटो का मुख्यालय जो है बेल्जियम है। अभी यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि नाटो ने जो है एक समूह को गठित किया है जो कि नाटो के जो सदस्य देश हैं उनके राजनीतिक आयामों और संगठन को मजबूत करने के लिए एक प्रक्रिया के तहत की गई है। इसमें जो है 5 पुरुष और 5 महिलाएं इस समूह में शामिल है, जिसकी अध्यक्षता जर्मनी के पूर्व रक्षा मंत्री थॉमस डी मेजर और वाशिंगटन के पूर्व शीर्ष राजनयिक वेस मिशेल द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। बात करें नाटो की, तो नाटो जो है इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। और यह जो है संगठन, इस संगठन के तहत सदस्य राष्ट्र जो है बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए जो है सहमति प्रकट करते हैं। इसके जो अभी वर्तमान में सदस्य देश हैं 30। COVID-19 के बारे में नवीनतम जानकारी साझा करने के लिए ट्विटर हैंडल #IndiaFightsCorona निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यानी ऑप्शन बी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने COVID-19 के बारे में नवीनतम जानकारी साझा करने के लिए जो है ट्विटर हैंडल को लॉन्च किया है। इस ट्विटर हैंडल पर @COVIDNewsByMIB हैंडल के जरिए पहुंचा जा सकता है। इसको लॉन्च करने का प्रमुख उद्देश्य है कि जिससे लोग कोरोना वायरस से जुड़ी सभी जानकारी, नवीनतम जानकारी को उनके पास जो है पहुंचाया जा सके और उनको अफवाहों से जो है बचाया जा सके। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को जो है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इसको जो है UN जनरल असेंबली में इसको मनाने का प्रस्ताव जो है 2007 में पास किया गया था और पहली बार जो है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल 2008 में मनाया गया था। और वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2020 की जो थीम है वह है द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। अब की बात 2020 की थीम है
द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म जो है मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। हिंदी में इसे आत्मविमोह या स्वपरायणता भी कहते हैं। इससे प्रभावित जो व्यक्ति होता है वह सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, मतलब कि वह शब्दों को समझने में उसको देरी होती है और एक ही काम को जो है वह बार बार दोहराता है। यह सब लक्षण जो है बच्चों में 3 साल होने से पहले ही शुरू हो जाता है। अभी तक जो है इस रोग के होने के ठोस कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई है आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे जो भी हम अन्य वीडियो बनाएँ उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।